बारिश शुरू होने वाली है, उससे पहले ही घर की मरम्मत करा लो। पैसे की चिंता मत करो, LIC से लोन ले लो, हम किश्त भर देंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? अच्छे से पढ़ाई करो। ये वो आखिरी शब्द थे जो कुवैत अग्निकांड में मारे गए अंकद गुप्ता ने अपने परिवार से कहे थे। ये उनके परिवार से फोन पर आखिरी बातचीत थी, जिसके कुछ ही घंटों बाद अग्निकांड में उनकी मौत हो गई। कुवैत के मंगाव शहर में 12 जून को हुए अग्निकांड में 49 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 45 भारतीय थे। जानकारी के मुताबिक मृतकों में सबसे ज्यादा केरल से 24, तमिलनाडु से 5, यूपी से 3, बिहार के 2 और झारखंड का 1 निवासी शामिल है। यूपी के जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें 2 गोरखपुर के रहने वाले हैं, एक गुलेरिया के जयराम गुप्ता और दूसरे गोरखपुर थाना क्षेत्र के अंगद गुप्ता, जबकि तीसरे प्रवीण माधव सिंह वाराणसी के रहने वाले हैं। ABP टीम ने इस हादसे में जान गंवाने वाले अंगद गुप्ता के परिवार से बात की। परिवार ने बताया कि गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जैतपुर उत्तरी के रहने वाले अंगद गुप्ता लगभग 9 साल से कुवैत में थे। फिलहाल वहां एक प्राइवेट कंपनी में कैशियर का काम करते थे। 12 जून को मंगाव शहर की एक बिल्डिंग में लगी आग की वजह से उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार को इस हादसे की जानकारी 12 जून को ही एम्बेसी से एक फोन कॉल के जरिए मिली थी, और तभी से अंगद गुप्ता के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंगद गुप्ता ने आखिरी बार अपने परिवार से बात मंगलवार को की थी। इस बातचीत में उन्होंने अपने परिजनों का हाल जाना था और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन लगाने के लिए कहा था, लेकिन परिजनों को क्या पता था कि ये उनकी अंगद से आखिरी बार बात हो रही है। अगले दिन सुबह ही आग की वजह से फैले धुएं में दम घुटने की वजह से अंगद गुप्ता समेत कई लोगों की मौत हो गई। अंगद अपने परिवार के अकेले कमाऊ व्यक्ति थे। अब उनके परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे बचे हैं। परिवार को नहीं पता कि आगे घर कैसे चलेगा, बच्चों को पढ़ाई अधूरी छूटने का डर लग रहा है। इसलिए पीड़ित परिवार अब CM योगी से मृतक की बड़ी बेटी को नौकरी देने की मांग कर रहा है, ताकि अंगद के बच्चों की पढ़ाई हो सके और उनका परिवार भूखा न रहे। पिता को खोने के दुख के बीच मृतक की बड़ी बेटी अंशिका नम आंखों से प्रदेश और केंद्र सरकार से अपने पिता के शव को सकुशल वापस लाने की मांग कर रही है। वहीं इस घटना से परिवार के साथ ही मोहल्ले वालों में भी शोक की लहर है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए विदेश मंत्रालय और कुवैत में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों से लगातार संपर्क में बने रहने की बात कही है। बता दें कि कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का विमान केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन खुद कोच्चि इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच चुके हैं। कुवैती मीडिया के मुताबिक आग रसोई में लगी थी, जिसके बाद वो पूरी बिल्डिंग में फैल गई। ज़्यादातर लोगों की मौत आग से उठे धुएं की वजह से हुई है। कुवैत के समय के मुताबिक वहां के फायर डिपार्टमेंट को आग लगने की जानकारी सुबह 4:30 बजे मिली थी। कुवैत के अधिकारियों का कहना है कि ये आग सुबह लगी थी, जिस वक्त लोग नींद में थे, उन्हें आग लगने का पता नहीं चल पाया और दम घुटने से उनकी जान चली गई। जिस बिल्डिंग में आग लगी है, उससे कंस्ट्रक्शन कंपनी NBTC ग्रुप ने 195 से ज़्यादा मजदूरों के रहने के लिए किराए पर लिया था। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए VP Live। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।